दोस्तों यह वही प्राचीन जगह है जहां से लोढ़ी माता का सूत एक और बना था। आप जो नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी माउंटेनिंग करने का शौक रखते हैं तो नरवर आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। तो इसी कार्यक्रम में आज हम आपको लेके जाएंगे हजीरा। वहाँ पर दोस्तों एक प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है, नीचे गुफाएं। हम आप सभी को सारा विवरण आज आपको बताने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों फाइनली हम मंदिर तक पहुंच चुके हैं और ये है सिद्ध बाबा का मंदिर, जो बड़ी बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। इसके अंदर दोस्तों इस पहाड़ों में अंदर गुफा निकली हुई है और आपको बताएंगे उस गुफा को, हमारे साथ आइएगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सिद्ध बाबा की गुफा बनी हुई है। इस कुंड में दोस्तों वैसे तो 12 महीना पानी रहता है, लेकिन अब की बार इस कुंड खाली पड़ा हुआ है। आपको नज़दीकी से इस गुफा को हम बताएंगे। इस गुफा में आज तक कोई नहीं जा पाया है, ना ही कोई किसी ने जाने का कोई प्रयास किया है। दोस्तों अंदर अंधेरा है और गुफा काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है, आपको बगल से हम उस गुफा को बताएंगे। दोस्तों ये है प्राचीन सिद्ध बाबा की गुफा, इसकी काफी लंबाई है अंदर और इसमें बाबा भोलेनाथ की यह गुफा है। इसके अंदर पता नहीं दोस्तों कितनी लंबाई है, इसमें हम कभी गए तो है नहीं, ना ही कभी हमने जाने का प्रयास किया है। दोस्तों इसमें वाकई बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही प्राचीन है। दोस्तों इसके ऊपर देखो, ऊपर की ओर देखो दोस्तों, पीपल का पेड़ लगा हुआ है। कैसे पत्थरों में पीपल का पेड़ की जड़ें निकल रही हैं। काफी प्राचीन गुफा है ठाकुर बाबा की, सिद्ध बाबा की। हम यहीं से देवादिदेव महादेव को प्रणाम करते हैं। बड़ी ही प्राचीन जगह है, लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है गुफा बनी हुई है। दोस्तों इस प्राचीन गुफा के बाद अब हम जाने वाले हैं ऊपर शंकर जी के मंदिर पर, जो ऊपर मंदिर बना हुआ है। दोस्तों मध्य भारत शैली में यह मंदिर बना हुआ है और इसके आसपास एक हजीरा ये बना हुआ है और एक इधर की ओर हजीरा बना हुआ है। दोस्तों लगभग 400 से 500 फीट की ऊंचाई पर आने के बाद आपको यहाँ एक सुकून भरा वातावरण मिलता है, शुद्ध वायु मिलती है और बड़ा ही मन प्रफुल्लित और आनंदित यहाँ कर आपका होता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों साथ ही बाबा के दर्शन कीजिएगा, आपको अंदर मंदिर में ले जाके आपको बताएंगे, बाबा के दर्शन करवाएंगे और प्राचीन हजीरा के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों यह वही प्राचीन जगह है जहाँ से लोढ़ी माता का सूत एक और बना था। आप जो उस तरफ दूसरी पहाड़ी पर स्थित दोस्तों, वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक श्रृंखला है, एक पहाड़ी है। उस पर आप जो मस्जिद देख रहे हैं वो सफ़ेद मस्जिद बनी हुई है, वहाँ से लोढ़ी माता का सूत बांधा गया था और इधर हजीरा पर लोढ़ी माता का सूत यहाँ की ओर बांधा गया था। और दोस्तों जैसे वो रास्ते में नाचते हुए आ रही थी तो वहाँ रानी के द्वारा उनका सूत काट दिया गया था और लोढ़ी माता वहीं पर गिर गई थी, जिसके कारण वहाँ पर मंदिर स्थापित कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों यह वो राजा नल के साम्राज्य का वही हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। यह नरवर का किला बना हुआ है और यह नगरी नरवर बनी हुई है। इधर की ओर ये प्राचीन हजीरा शिव मंदिर है और एक आपको कुंड देखने को मिला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और अंदर शिवलिंग के दर्शन करवाएंगे और आपको बताएंगे दोस्तों हजीरा में क्या बना हुआ है, आखिर क्या है हजीरा, किस प्रयोजन से इनका निर्माण किया गया होगा और किस तरीके से इनको, किस शैली में इनको बनाया गया, यह सब आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा।
दोस्तों अब आपको हम यहाँ से लेके जाएंगे प्राचीन शिव मंदिर की ओर, तो हमारे साथ आइएगा और आपको दर्शन करवाएंगे भगवान भोलेनाथ के। ये देखिए दोस्तों, नरवर यहाँ से कुछ इस तरह दिखाई देता है। कितना प्राकृतिक से भरा यह सुंदर दृश्य है। काफी ऊंचाई पर हैं अभी हम इस समय। दोस्तों यह वही प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है जो नरवर से देखने पर छोटा सा दिखाई देता है, और पास में आने पर दोस्तों यह पत्थरों से निर्मित शिवलिंग है, शिव मंदिर है, और दोस्तों इसके गर्भगृह में शिवलिंग भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। आपको नज़दीकी से दिखाएंगे इस मध्य भारत शैली में बने हुए शिव मंदिर को और आपको दर्शन करवाएंगे भगवान भोलेनाथ के। आप नज़दीकी से इस मंदिर को देखिएगा ज़रा दोस्तों, इसकी शैली को ध्यान दीजिएगा। इसकी शैली थोड़ी थोड़ी दोस्तों हमें दक्षिण भारतीय शैली के रूप में प्रभावित करती है, और मंदिर का गर्भगृह काफ़ी प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यह दोस्तों राजा नल के समय से ही इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा, जब से ही इस मंदिर यह मंदिर अस्तित्व में है। और दोस्तों इसके पास दोस्तों ये हजीरा बने हुए हैं, लैंड स्लैब में बना। इसके पास ये जो हजीरा बने हुए हैं ये हजीरा हैं, और इधर की साइड भी ये हजीरे बने हुए हैं। दोस्तों ये हजीराओं में किसी की कब्र बनी हुई है, हम उनका नाम तो नहीं जानते, लेकिन इन दोनों में किसी की कब्रें बनी हुई हैं। जो दोस्तों ये हजीरा है वो पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित है, और आपको नज़दीकी से इसकी मुगलिया शैली के बारे में आपको बताएंगे कैसे हजीरा के ऊपर गुम्बद बना हुआ है, उसके मुगल शैली में द्वार बने हुए हैं, और उसके पिलर मतलब खम्भे जो बने हुए हैं वो भी सार मुगल शैली में उनकी छतरियाँ बनी हुई हैं। तो इस सब के बारे में आपको नज़दीकी से हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों यह भगवान भोलेनाथ का गर्भगृह है जिसमें स्वयं भू भगवान भोलेनाथ विराजमान है। हर हर महादेव, हरि ही ओम गणनाम द्वागणपति गम हवामहे पियणाम द्वापियपति गम हवामहे निधिनाम द्वानिधिपति गम हवामहे वसोमम अहम अजामि गर्भतम मातम अजासि गर्भतम। दोस्तों जब शिवरात्रि के समय यहाँ बेलपत्री उतरती हैं और यहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है, भगवान भोलेनाथ का अखंड जप यहाँ पर चलता है, साथ ही भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर मंगल में कीर्तन होता है। यह भोलेनाथ का गर्भगृह है जिसमें शिव परिवार विराजमान है। भगवान भोलेनाथ नंदीश्वर और माता पार्वती के साथ उनके पुत्र गणेश जी भी यहाँ पर विराजमान है। आप आएंगे तो आपको दर्शन करने को यहाँ पर मिलेगा। आप बहुत ही अद्भुत यहाँ पर आकर अनुभव करेंगे। दोस्तों दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर स्थित प्राचीन शिव मंदिर। दोस्तों भोलेनाथ हमेशा पहाड़ों पर विराजते हैं, कैलाश पर विराजते हैं। थोड़ा दोस्तों प्रतीत होता है कि यह दक्षिण भारतीय शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। यह मंदिर दोस्तों राजा नल के समय से ही यहां पर स्थित है, और दोस्तों आप इसमें कलाकृति पत्थर में कलाकृति देख रहे हैं। एक ही पत्थर में इधर का जो नीचे का हिस्सा है दोस्तों, इस पत्थर में किस प्रकार से इसमें कलाकृति की गई है, कैसे इस बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से इस मंदिर को बनाया गया है जो सभी ऋतुओं को झेल रहा है। बरसों से इसी प्रकार से यहाँ पर खड़ा हुआ है भगवान भोलेनाथ, यहीं से सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी। आप कभी भी नरवर के इस पहाड़ी पर आइएगा तो आप दर्शन करना ना भूलिएगा। दोस्तों यह है प्राचीन हजीरा, या इसे हम एक और नाम देना चाहेंगे, यह मकबरा। दोस्तों इसके अंदर कब्र बनी हुई है और जालीदार दरवाजे लगे हुए हैं जो मिट्टी के या कहे तो चूना के बने हुए हैं। यह हजीरे के ऊपर का हिस्सा है, आप देख सकते हैं कैसी गुम्बदें बनी हुई हैं,
और शंकु आकार की उसमें कीलें टाइप की निकली हुई हैं। ये अजीरा के द्वारा जो मुगलिया शैली में बने हुए हैं, मुगल शैली में निर्मित यह अजीरा आपको नज़दीकी से दिखाएंगे। दोस्तों फाइनली हम मकबरे तक या हजीरा तक पहुंच चुके हैं और यह वो हजीरा बना हुआ है। इसके अंदर कब्र बनी हुई है जो किसी मुस्लिम की बनी हुई है। दोस्तों इधर मेरे पीछे की ओर देखने पर आपको मुग़ल शैली में बने हुए दरवाजे दिखाई देंगे जो पूर्णतः मुग़ल शैली में निर्मित हैं और एक गैलरी बनी हुई है और काफ़ी दरवाजे इस गैलरी से गुजरते हुए बने हुए हैं। और दोस्तों इधर की ओर आने पर, इस मकबरे की ओर आने पर अंदर कब्र बनी हुई हैं और बाहर की ओर यह जाली बनी हुई है। दोस्तों यह पत्थर से निर्मित जालियाँ हैं और इधर में एक और जाली बनी हुई, लेकिन अभी इसकी एक जाली कहीं है नहीं है यहाँ पर, और इसको मैं आपको अंदर बताऊंगा। दोस्तों अंदर काफ़ी अंधेरा है और काफ़ी डरावना आपको दिखाई देने वाला है। और दोस्तों इसके अंदर कब्र बनी हुई है किसी शासक की, तो हम आपकी हम फ्लैश लाइट जलाकर आपको अंदर लेके जाएंगे और आप दिखाएंगे कब्र को, कब्र के बारे में बताएंगे और उसकी मुग़ल शैली में निर्मित वो गुम्बद है उसकी ऊँचाई और उसकी दीवारों की जो शैली मुग़ल शैली में बनी हुई हैं उनसे आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ आइएगा, आ जाओ। दोस्तों ये कब्रें बनी हुई हैं और दोस्तों काफ़ी प्राचीन यह हजीरा है। इसके ऊपर की ओर देखने पर दोस्तों गुम्बद की ऊंचाई भी काफ़ी है और इसकी दीवारें जो बनी हुई हैं काफ़ी प्राचीन होने के कारण दोस्तों यह जर्जर सी हो गई हैं। दोस्तों इसी शैली में, इसी मुग़ल शैली ने मैं आपने कई मकबरे देखे होंगे, जैसे गौस मोहम्मद का मकबरा, तानसेन का मकबरा, उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में यह मकबरा बना हुआ है जिस पर बाहर की ओर जालीदार खिड़कियां बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों मुग़ल शैली में बनी हुई है, जालीदार खिड़कियाँ हैं और आप जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं ये जर्जर हो चुका है। दोस्तों इसकी ईंटें निकल रही हैं और ये काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी बहुत ही पुराना यह स्थल बना हुआ है जो मुग़ल शैली में निर्मित है। दोस्तों यह दरवाजे काफ़ी दरवाजों को पार कर हम इस गैलरी में जाते हैं। और दोस्तों इधर चित्रकारी वगैरह, आजकल के युवा लड़कों ने चित्रकारी वगैरह बनाकर यहाँ पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन एक कोई बात नहीं है। और इधर दोस्तों गैलरी में भी एक कब्र बनी हुई है और इधर से होते हुए दोस्तों जैसे चार दरवाजे हैं तो दोस्तों चारों तरफ जालियाँ लगी हुई हैं। एक जाली आपने पीछे की तरफ देखी, एक आगे की तरफ है और दोस्तों एक इधर है और एक उधर की तरफ है। यह पूरा मकबरा है और पूरे हजीरा का आपको दृश्य है, आप देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन है। दोस्तों इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर की ओर जो आप इसकी छत बनी हुई है, इसकी छत के ऊपर देखो दोस्तों अंदर इसके गुम्बद, इसके ऊपर जो गुम्बद रखी हुई है दोस्तों वह काफ़ी पुरानी है, काफ़ी दोस्तों इस हजीरा के बाद लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर उस तरफ दूसरा हजीरा बना हुआ है जो स्वयं इसी आकार का है, इसी प्रकार का हजीरा बना हुआ है। उसके अंदर भी कब्रें बनी हुई है और काफ़ी ऊंचा हजीरा वो उस तरफ बना हुआ है, गुम्बद आकार में उसका ऊपर का शिखर बना हुआ है और बीच में शिव मंदिर है और इस तरफ दाई तरफ ए वाला हजीरा बना हुआ है। और दोस्तों इधर आपको देखने पर काफ़ी ऊँची पहाड़ी नज़र आएगी, इस पहाड़ी को चढ़कर इस हजीरे पर पहुंचते हैं। काफ़ी प्राचीन कलाकृति इन हजीरों में की गई है। और दोस्तों भोलेनाथ हमेशा पहाड़ों पर विराजते हैं, कैलाश पर विराजते हैं। इसी श्रेणी में भगवान भोलेनाथ का मंदिर यह बना हुआ है और कैलाश पर्वत पर यह मंदिर बना हुआ है। दोस्तों इसे हम नगरवासी कैलाश पर्वत के नाम से ही अधिकतर जानते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा मंदिर आपको दर्शन करवा रहे हैं भोलेनाथ के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों इधर की ओर आप जो देख रहे हैं राजा नल का साम्राज्य बना हुआ है, जिसमें राजा नल का किला है और इसकी मंदिर बसी है।
काफी प्राचीन है। इसका विवरण दोस्तों, इसका नाम निषद नाम की नगरी से महाभारत में इसका वर्णन भी मिलता है। यह दोस्तों राजा नल और कई शासकों ने इस नरवर के किले पर शासन किया है। कई समय तक यह किसी के अधिपत्य में रहा है। दोस्तों यह नरवर का किला काफी स्वतंत्र वातावरण के बीच, खुली हवाओं के बीच हम आपको दर्शन करवाएंगे और दर्शन करवा रहे हैं भगवान भोलेनाथ।